12 तारीख का दिन है, रबिया बेगम, एज 26 इयर्स, हाउसवाइफ है, इन शमा टाकिस का एक महीने से रह रहे, इन उमानी का है, पहले उमानी में एक शेख को शादी कर लेके 7 साल वहाँ रहने का बाद इधर आके तलाक दिया बोल के एक आदमी से शादी कर लिए उन्होंने, आके मेरा बच्ची गए बोल के कंप्लेंट दिए, बच्ची के साथ पैसे पासपोर्ट पूरे लेके उन भाग गए बोल के, फिर वो बच्ची का कुछ भी आईडी कार्ड पासपोर्ट फ़ोटो कुछ भी नहीं लाया उन लोगों, एज भी डिटर्मिनेशन का वास्ते आइडेंटिटी वास्ते कुछ भी आईडी कार्ड भी नहीं लाया हम लोग, उसका हिसाब से मिसिंग केस करे, फिर कल उन लोग बच्ची का पासपोर्ट मिला बोल के एक जीराक्स कापी लाए, उसमें एज 17 ईयर्स 9 मंथ्स है, वो एज का हिसाब से हम सेक्शन अल्टर करें, किडनैप केस रजिस्टर करें, वो एलोपिंग केस है, अतीक बोल के चंद्रयांगुट्टा बाबा नगर में रहते, उनसे प्यार मोहब्बत है, एक बार दोनों मिलके भी भाग गए, चंद्रयांगुट्टा में केस भी रजिस्टर हुआ था, फिर लेके आके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके उधर से बाहर आए थे, फिर एक महीने के बाद फिर दोनों मिलके मर्जी से भागे है, हम लोग फ़ोन नंबर्स ट्रेस कर रहे, उन लोगों से भी बात चल रहे, एक प्रेस रिपोर्टर है बीच में, सफारी न्यूज़ आशिम मिर्जा उन लोगों से बात कर रहे, उनसे बात कर रहे, उसका माँ का खिलाफ़ उन बोल रहे, मेरा घर में सता रहे, उसका फादर पैसे उसको बेचते गए, वो पैसे के वास्ते उन लोग सता रहे, मैं इसके साथ हूँ बोल के उन बात कर रहे, हम लोग आते कोर्ट में सरेंडर होते बोल के उन लोग बोल रहे, बातचीत चल रहे, और बीच में प्रेस रिपोर्टर बात कर रहे उन लोगों से, हम भी केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे, जल्दी जल्दी हम लोग पकड़ के लाते, थैंक यू। और मेरी बच्ची का नाम मेहराज है, 17 साल है उनकी उम्र, हम लोग जहनुम माह में 2 महीने हो आके वहाँ से, बच्ची मेरी 11 तारीख से किडनैपिंग हो गई, किडनैप हो गई बच्ची, 4 दिन हो गए आज को, फलकनुमा पीएस में कंप्लेन कराए उसका कोई जवाब नहीं, बस बच्ची आ रही बोल रही, कुछ भी जवाब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ बच्ची से, और उसका एक भाई भी है, उसकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। कौन करे किडनैप? अतीक नाम है बच्ची का, बच्चे का अतीक नाम है, बच्ची का मेहराज बेगम है। कहाँ करने वाला अतीक? अतीक बाबा नगर पे है, हम लोगों का खुद का घर भी बाबा नगर पे था, लेकिन उसके अटाचर से हम लोग जहनुमा रोड, ये जहन शमा टाकिस के पास 2 महीने हुआ हम लोग शिफ्ट हो गए इधर। क्या टॉर्चर था? क्या टॉर्चर बोलते हो, बच्ची के बहुत पीछे रहता था, वो बच्ची की नाजुक तबीयत भी है, और उसको बच्ची पढ़ी लिखी भी नहीं है ज़्यादा, और बच्ची उमानी है, बच्ची उसकी उम्र 17 साल की है, उसको उतनी होशियारी भी नहीं है, बच्ची को उतनी समझ भी नहीं है बच्ची को, और 30 तोले सोना है, पैसे है बच्ची के पास, वो सब भी लेके फरार है, 4 दिन है अभी तक कुछ भी लापता है बच्ची का। पीएस और सोने के साथ आए तो मैं लेके जाता हूँ, पहले बच्ची को बस ये बोला कि पहले पैसे होना सोना है तो मैं ले के जाता हूँ, तो बच्ची क्या करी अब, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बच्ची बाम लगाती हूँ मैं बोल के, बाम लगाई, नींद की गोली खिला दे के बच्ची फरार हो गई, बस जल्द से जल्द बच्ची का पता होना है, कुछ भी बच्ची को हुआ इसकी जिम्मेदार अतीक है। ये बच्ची जब मिसिंग हुई तब आप कहाँ थे? मैं घर पे ही था बस। तो आप रोके नहीं बच्ची? मैं रोके नहीं, मेरे को नींद की गोली डाली बस बच्ची, मेरी तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है, मेरे को मरहम लगा रही हूँ बोल के बच्ची बोली, लगाने के बाद मेरे को बस थोड़ा एक 10 मिनट की नींद, बच्ची गोली दे दी मेरे को, 10 मिनट की नींद लगी, उतनी देर में बच्ची सोना भी मेरा पैसे भी ले लेके चले गए। इसके कुछ भी नहीं हुआ एक्शन, कुछ भी नहीं, बस क्या करे लोग, कुछ भी नहीं लिया लो, बस बच्ची की अम्मा को भी लाके छोड़ दिया वो लोग, बच्ची की अम्मा और बहन को बिठाए थे लेके आके, और रात ही फिर बच्ची को लो और अम्मा को भिजा दिए लो, क्या बच्ची के पास 30 तोले सोना है, पैसे है, बच्ची को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार अतीक है, उसके एक पूरा घर वाले है बच्ची के साइड पूरे मिले हुए उसके, अब उन लोग लॉक डाल के उन लोग फरार रही है पीएस में, उन लोग बोले पुलिस भी जाती उन लोग कुछ पैसे या क्या खिलाए नहीं मालूम है, जब से उन लोगों के घर को लॉक है,
कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ। बच्ची उमानी है, वो बहुत परेशान है और उसका भाई भी बहुत तबीयत खराब है उसकी। भाई पैसे कैश थे, पैसे 50-60 हज़ार रुपए पैसे है। हाँ पैसे है, सोना 30 तोले है, सोने आपके पास सोना पैसा गया? सबूत है बोलता, बच्ची लेके गई, मेरे पर्स में थे। मैं बच्ची आओ, सबूत है बोलता, ये अतीक है और बच्ची का, मेरी बच्ची का पासपोर्ट ही है। 70 साल की है, 17 साल की है बच्ची, और ये फोटो अतीक की है। पूरा डॉट नहीं, पूरा क्लियर अतीक लेके गया सो है बच्ची। हाँ इससे पहले भी बच्ची जब 10th क्लास स्कूल पढ़ी थी, जब भी ले लेके चले गया था, स्कूल से ले लेके चले गया था। अब ये दूसरी बार पहले भी बच्ची एग्जाम देने गई तो स्कूल से गायब कर दिया था बच्ची। हाँ एक साल पहले की बात। बस मेहरबानी करो आप लोग, जितने जने भी देख रहे हैं, बस आप लोग बच्ची के ये इत्तला होते जल्द से जल्द आप लोग कंफर्म कर दो। बस पुलिस तो कुछ मदद नहीं करी, बस 4 दिन से हाथ पे ले लेके, बस कोई मदद नहीं करी, उल्टा लाके उन लोगों को भी भिजा दिए घर से।